हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइमंस लाइफस्टाइल। तो आज हम आ चुके हैं डेजर्ट पे, जैसे कि हमने कहा था डे वन के वीडियो में। तो डे थ्री ये है, यहाँ से शुरू होता है डे थ्री एंड हम आ गए रेगिस्तान में, ओशिया के डेजर्ट सफारी में। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ मतलब सिर्फ रेत ही रेत है। मजा आ रहा है, सीरियसली मजा आ रहा है। तो और भी बहुत है, जीप सफारी हमने ऑलरेडी कर ली है, मंदिर में माता जी के मंदिर में, ओशिया के माता जी के मंदिर में जाके पूजा दे दिए। तो सब कुछ है, सब कुछ दिखाएंगे, देखते रहो वीडियो को। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े एंड अपने रूम के सामने से हमने ले लिए ऑटो, एंड ऑटो लेके हम चले गए बावटा बस स्टैंड पे। बावटा बस स्टैंड से बस पकड़ लिया, 65 रुपीज़ लिया, एंड वहाँ से आ गए हम ओशिया। यहाँ पे आके थोड़ा सा पैदल चला एंड आ गए ये मंदिर पे। फिर मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया कुछ इंट्रो, बट मेरा फेस इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था कि मैंने उसको डिलीट कर दिया। एंड फिर ये मंदिर मैंने देखा, घूमा, बहुत अच्छा, बहुत शांत मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड बहुत ज़्यादा लाइन भी लगे हुए है। एंड बहुत ज़्यादा लाइन, 1 से 1.5 घंटे लाइन देने के बाद ये हम मंदिर के माता जी के, ओशिया जी के माता जी के सामने आ गए। पूजा देने के बाद फिर से हमने एक ऑटो लिया एंड पहुंच गए। जैसे कि मैंने कहा था कि जीप सफारी होगा, कैमल सफारी होगा और भी बहुत कुछ है। तो जीप सफारी में हम आ गए एंड कैसे क्या आए इधर तक, लाइक उसका बहुत ज़्यादा, लाइक क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा घूम के आए, इसी वजह से वो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप दे रहा हूँ, आप लोग देख लो। एंड मैं यहाँ पे जीप सफारी का मज़े लेते हुए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा हिल रहा हूँ। अबे वो मैं दिखाता हूँ, सामने देखो। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एंड गाइस, ये गाड़ी इतना ज्यादा हिल रहा है, बहुत ज्यादा सही लग रहा है। पूरा रेत ही रेत है इधर, कुछ नहीं है आस पास, कुछ भी नहीं है, बस रेत ही रेत है। एंड मैं ले रहा हूँ इसका मज़ा एंड देखते हैं रात तक। भैया ये जो है अपना, हम आ चुके पीछे और यहाँ से नज़ारा बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। भैया ने बोला पीछे आ जाओ, पीछे से नज़ारा बहुत सही दिखेगा। हम आ गए और ओ जंगल राइड, अब जा रहे जंगल में मंगल करेंगे। ओ जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। सामने दिखाता हूँ, देखो। हाँ ओके, आराम से ये काटे हैं, निकल गए, फिर हम खड़े हो गए। नील गाय अच्छा ओके, बच्चे हैं छोटे छोटे, नील गाय ये है गाइस, नील गाय। ओके ये देखो जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये हम आ गए कैंप के अंदर। ओके तो अभी हम जा रहे हैं कैंप के अंदर, आप लोग देख सकते हो ये बहुत सुंदर है एंड ये है कैंप का अंदर। चलो चलते, एक्चुअली मैं इधर का ना थोड़ा सा आपको वीडियोस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले चलो देखते हैं कि क्या क्या है खाने में, बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लगा है। यही है रेस्टोरेंट, ये कैंप है, नाइट से रुकने के लिए टेंट वगैरह बने हुए हैं। अच्छा, टेंट में और बॉनफायर वगैरह होता है यहाँ सामने, कालबेलिया डांस प्रोग्राम वगैरह सब। ओके आज भी होगा, शाम को होगा। ओके
ठीक है चलो देखेंगे, मतलब पूरा ये जो सब कुछ है हाथ से। हाँ ओके चलो अंदर चलते हैं। एंड काफी सुंदर है इधर का मौसम, एंड इवन ये जो जगह है ये भी बहुत ज्यादा ही सुंदर है। ओके ये शाम के टाइम ये पूरा सब भरता है ना। ओके अभी खाने में क्या क्या है भैया, वो तो पूछ लेते हैं क्या मिलेगा। चलो काफी सही जगह है, एंड सीरियसली अगर मैं नहीं आता मैं मिस करता बहुत कुछ। एंड ये अभी देखो गाइस, अभी हम लोग क्या है जीप सफारी लिए है, कैमल सफारी लिए है, एंड उसके बाद नाइट स्टे भी शायद करेंगे, एंड वहाँ पे डांस वांस होगा शाम की तरफ वो भी दिखाएंगे। तो अभी भूख बहुत ज़्यादा लगा है तो अभी खाना खाना है, एंड उसके बाद ये जो पूरा प्लेस है ना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड अभी तो चलो पहले खाना खाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंड अगर यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है तो हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में खा के फिर से आएंगे। आई जस्ट मीट एन अमेजिंग गाय, भाई तेरा नाम बता एक बार। हनुमान। हनुमान ओके सो गाइस ही इज हनुमान, एंड गाइस इसने जो पिक्चर्स लिए ना गाइस कतई जहर है, कतई जहर, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतना सही इसने वीडियो लिए है, फोटो लिए, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, इवन जो जो इंस्टाग्राम पे डाला हूँ वो भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, देखना इस बच्चे की फोटोग्राफी पागल हो जाओगे सीरियसली। इतना डेजर्ट पे आके मुझे ये मिल गया, इसने क्या बढ़िया फोटोग्राफ्स लिए, अमेजिंग अमेजिंग। अभी हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले, कहाँ है? अभी हम जाएंगे होटल। होटल खाना खाने? हाँ आप खाना खाओगे। ओके फिर उसके बाद? इसके बाद फिर वापस आपको वहाँ पे छोड़ेंगे कैंप में छोड़ेंगे। हाँ फिर आपको 9 बजे वहाँ पे स्टेशन में छोड़ेंगे, एंड उसके अंदर वो जो तालबेलिया डांस सब दिखाएंगे आपको। तालबेलिया डांस? कालबेलिया डांस। ओके तो ये कालबेलिया डांस भी देखना है, एंड ये अपने जो वो जो रेस्टोरेंट था ना कैंप के अंदर वहाँ पे गए थे रेस्टोरेंट गाइस, इतना ज्यादा हाई प्राइस, इतना छोटा सा एक बोल है उसके अंदर चिकन देगा जो 750 है, अंडा करी 250 रुपये। तो आई जस्ट थॉट कि नहीं चलो इधर से बाहर चलो, चल के किसी रेस्टोरेंट के बाहर से खाना खा लेते हैं, एंड ये आई थिंक सही रहेगा। एंड थैंक यू वंस अगेन ब्रदर, बहुत सही काम किया है तूने भाई, बहुत सही। मेरे घर वाले सब घर पे ही है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, तो काफी सही सीन है। गाइस डेजर्ट को छोड़ के हम आ गए ये वाला रेस्टोरेंट पे, रॉयल अरोमा रेस्टोरेंट। ओके तो चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं कि ये रॉयल अरोमा रेस्टोरेंट कैसा है। इसका अंदर का व्यू बहुत शानदार है, देखो जस्ट लुक एट दिस रेस्टोरेंट, इट इज सो अमेजिंग, सो नाइस। सब कुछ हाथ से पेंट किया हुआ है ना, ये जो मयूर वयूर है ये भी सब कुछ सब ये सब, ये मेरे बड़ा भैया है। अच्छा ओके आपके ही बड़े भैया है। ओके एंड गाइस ये है अपना गाइड भैया, इधर आ जाओ। हाँ ये है अपना गाइड, एंड भैया ने बहुत अच्छा राइड दिया अपने को, एंड जो जिप में जो भैया थे आपने शायद देखा भी है। तो भैया इधर लाइक अभी हम लोग कहा, अभी हम लोग खाना खा के फिर जाएंगे कैंप पे ना, शाम को ऊँट का राइड होगा, शाम को ऊँट का 5-6 बजे चलेंगे यहाँ से। हाँ कैमल राइड करके फिर बाद शाम को कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, कल्चरल प्रोग्राम, फिर हम 9 बजे बस स्टैंड पे वापस ड्रॉप। बढ़िया है। तो गाइस हम यहाँ पे बैठ गए खाना खाने, ये है अपना कढ़ाई पनीर, इतना बड़े क्वांटिटी में है, यहाँ पे 2 बटर चपाती है, यहाँ पे भी चपाती है 2, एंड खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा सही है। तो चलो थोड़ा सा खाते हैं, मैंने तो खाना शुरू कर दिया है बट फिर भी आप लोगों को दिखाना मैंडेटरी है। यस ग्रेवी लेते हैं। लाजवाब सीरियसली, लिटरली राजस्थानी का जो फील है ना, जो टेस्ट है ना, वो आ रहा है। And this is something amazing. Just amazing. This is such an amazing experience. मैं देखो कहाँ पे बैठा हुआ हूँ. Literally. वो मैं इधर एक बार इधर ये कर रहा हूँ. And खा पी के आ गए उधर से, तो हम खा पी के अभी इधर आ गए कैमल सफारी में. तो कैमल सफारी हम ये कर रहे हैं. And मैं अभी एक और एक बच्चा हमको मिल गया है जो फोटो खींचने में इंटरेस्टेड है. तो मैं उसको फोन दे रहा हूँ, वो फोटो खींच रहे, वीडियो खींच रहे, जो चाहे वो करे. चलो बाय. This is
सच एन अमेजिंग एक्सप्रेस में ना ऐसे 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 डोल रहा हूँ एंड लिटरली मुझे मैं जब चढ़ा पहली टाइम मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या बताऊँ। अभी तो सही हो गया, ये देखो बच्चे लोगों को देखो, ये मज़े से चल रहे हैं एंड हम बड़े लोगों को गांड पट रहा है, जो भी है बस मज़ा बहुत आया। बट यार इतना धूप बहुत है, रेत बहुत है, ऑल मिला के सब कुछ सही है, बहुत सही एक्सपीरियंस है डे 3 का। गाइस अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो लाइक ठोको, लाइक जल्दी से जल्दी लाइक ठोको, शेयर करो, दबा के शेयर चाहिए एंड इस वीडियो पे तो एटलीस्ट 50 लाइक्स का तो टारगेट रखते ही है, ठीक है। और अपना ऊंट वाले सवारी में ये भाई साहब ने बहुत ज्यादा मदद की है, इसने सारे फोटो सारे वीडियो इसने क्लिक किए, सो बिग शाउट आउट टू यू। क्या नाम है भाई तेरा? सैंडी। सच ए नाइस नेम यार, हमारे माँ बाप ने ऐसे ऐसे नाम क्यों नहीं रखे, सैंडी क्या सही नाम है, सैंडी सही है यार, थैंक यू सो मच सैंडी। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं एंड अपना जो बूफे है वो वहाँ पे लगने वाला है, चलो चल के देखते हैं कि बूफे में क्या क्या लग रहा है। तो गाइस हमने अपना डिनर कर लिया, बहुत कुछ था, पनीर था, चपाती था, राइस था, सब कुछ था एंड द बेस्ट पार्ट, हाँ चिकन भी था, यस दिस इज द बेस्ट पार्ट। एंड उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात ये है कि मुझे एक अंकल मिले, एक्चुअली पहले जो इस कुर्सी में ये देखो यार ऐसे जो कुर्सी है बैठा ना, इस कुर्सी में अकेले सिंगल बैठा हुआ था, तो वो मेरे बगल में ही थे, आपके फैमिली के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पकौड़े ऑफर किया कि यार ले लो, मैं बोल रहा था नहीं नहीं, बट फिर भी वो बहुत बार इंसिस्ट किए तो मैंने ले लिए। एंड उसके बाद जब मैंने बूफे से अपना खाना उठाया तो खाना उठाने के बाद मैं अकेले फ्री खाली सा टेबल ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं जाके आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बुला के बोला अकेले आए हो क्या? हाँ जी जी, इधर ही बैठो। तो फिर हम उनके साथ बैठे, उन्होंने बहुत कुछ बोला, बातचीत किया, वो आए थे वो अंकल की वाइफ, उनके माता जी एंड उनके आई थिंक 4 बेटियाँ थे, तो सब आए हुए थे, सभी से बात किया एंड इवन लास्ट में मुझे ये भी बोला कि कि अगर तुम्हें बस स्टैंड जाने तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं छोड़ दूँगा। सो सच ए नाइस पर्सन, ऐसे नाइस पर्सन मिल जाते हैं सोलो ट्रिप में, अगर आप कभी सोलो ट्रिप करते हो तो ऐसे अच्छे अच्छे पीपल आपको मिल जाएंगे एंड बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो एंड बहुत कम प्राइस में। बिकॉज पता है वो अंकल ने कहा कि यहाँ का जोधपुर का होटल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा है ना, मेरा तो 3,000 रुपये करके लग रहा है एंड मैंने कहा अंकल मेरा 300 रुपीज़ करके पर नाइट लग रहा है। व्हाट द फक इज दिस, 300 रुपीज़ आप सही बोल रहे हो ना, 3,000 तो नहीं ना? जी नहीं अंकल, 300 रुपीज़। कितने लोग? 4 लोग। जी नहीं, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल इंसान, एक रूम पे 300 रुपीज़ करके रह रहा हूँ एंड ये सुन के तो वो शॉक हो गए। सो गाइस जो भी है छोड़ते ये सब को, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड ये व्लॉग में भी मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको बहुत सारे डिटेल्स दूँ एंड बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूँ, तो अगर मेरे प्रेजेंटेशन या जो भी है या जो व्लॉग है अगर आपको पसंद आया एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो इस व्लॉग को तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने हर एक दोस्त के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।